नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, हम लोगों ने पिछली बार एक वीडियो में जाना था कि तंबाकू की खेती कैसे की जाती है, उसका भूमि तैयार कैसे किया जाता है और उसकी शुरुआती विधि क्या होती है, कैसे तंबाकू के नर्सरी लगाए जाते हैं। जैसे अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तंबाकू की शुरुआती नर्सरी ही है। शुरुआती विधि तंबाकू की खेती का किसान बंधु नर्सरी लगाकर ही करते हैं। इसी नर्सरी में छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं और जब वो दो तीन पत्तों के हो जाते हैं तो उस नर्सरी का फिर से रीप्लांटेशन किया जाता है। मित्रों, रीप्लांटेशन क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। रीप्लांटेशन का फ़ायदा ये होता है कि पौधों में विकास ज़्यादा हो और उसकी थोड़ी सी दूरियां बढ़ाई जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब पहली बार नर्सरी तैयार की जाती है तो पौधे काफ़ी गुच्छों में एक साथ उगते हैं, क्योंकि तंबाकू का बीज काफ़ी महीन होता है और उसको जब बेड पे किसान बंधु डालते हैं तो वो काफ़ी घने उगते हैं और ज़रूरी होता है कि उसको एक बार फिर से रीप्लांटेशन किया जाए। रीप्लांटेशन का एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि पौधे ज़्यादा विकास करते हैं, क्योंकि उनके जड़ों का विकास ज़्यादा होता है। रीप्लांटेशन के लिए भी किसान बंधु को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करना पड़ता है। मिट्टी के चुनाव में किसान बंधु को एक ऐसी मिट्टी का चुनाव करना पड़ता है जो दोमट हो और जहाँ पे पानी का ठहराव न हो, क्योंकि पानी ठहरने से पौधे गल जाएंगे, उसमें गलन का रोग हो जाएगा और पौधे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए किसान बंधु को ऐसी मिट्टी का चुनाव करना पड़ता है जहाँ पे पानी का ठहराव नहीं हो। और कुछ इस प्रकार से, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, समान दूरी पर पौधों का रीप्लांटेशन किया जाता है। एक बार पुनः एक बड़ी नर्सरी तैयार की जाती है तंबाकू के छोटे छोटे पौधों का। ये पौधे दूसरी नर्सरी में रीप्लांटेशन के पश्चात तकरीबन 25 दिन तक विकसित होते हैं। 25 दिन के पश्चात किसान बंधु इन पौधों को निकाल करके और खेतों में लगा देते हैं। मित्रों, रीप्लांटेशन तंबाकू की खेती का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें आप ये जो देख रहे हैं, किसान बंधु द्वारा बांस के जो ये लकड़ियां लगाई गई है, एक मचान की भांति इसको तैयार किया जाता है। इसका मुख्य रीजन ये होता है, रीप्लांटेशन के बाद एक बार फिर से नर्सरी पे डायरेक्ट खरपतवार नहीं रख के ऐसे मचान बना करके और उसके ऊपर खरपतवार से ढक दिया जाता है, ताकि कुछ दिनों तक उसमें सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़े और पौधे सूर्य के किरणों से बचे रहें। उनके लिए छांव में होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसान बंधुओं के लिए तंबाकू की खेती जितना फायदे का सौदा होता है, उतना ही किसान बंधु को इसमें मेहनत भी लगता है। कील के सहारे मिट्टी में होल करके और उसमें छोटे छोटे पौधों को डाला जाता है रीप्लांटेशन के लिए। मित्रों, रीप्लांटेशन के तुरंत बाद उसमें हल्की पानी भी दी जाती है। उसका रीज़न ये होता है ताकि जड़ तुरंत ही मिट्टी से पकड़ ले और पौधे सूखे नहीं, क्योंकि पौधे काफ़ी छोटे होते हैं और जब पौधे ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनको पानी की आवश्यकता होती है। वो पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन हल्के फुहारे के रूप में इसमें पानी दिया जाता है। इसके पश्चात किसान बंधु इसको अपने खेतों में लगाते हैं और आगे की जो प्रक्रिया है, मैं आपको अगले वीडियो में तंबाकू का जो ये खेती है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। स्टेप बाय स्टेप तंबाकू की खेती कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है,
मैं यूथ एग्रीकल्चर के अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच रखूंगा। आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल का हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मित्रों, याद रखें, तंबाकू सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, इसका सेवन नहीं करें, कभी ना करें। ये किसान बंधु के लिए फ़ायदे का सौदा ज़रूर है, लेकिन ये एक नशीली पदार्थ है। कभी भी मैं आपको इसका सेवन करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए यूथ एग्रीकल्चर।